हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है और हम में से कई सारे स्टूडेंट अपना एक बेस्ट कोर्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको अपना करियर आसमान की ऊंचाई में यानी एयरपोर्ट या फिर एविएशन फील्ड में बनाना है तो दोस्तों आपको एविएशन का कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एविएशन का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप बड़ी आसानी से एयरपोर्ट मैनेजर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट, एयर होस्टेस, एयरपोर्ट टिकट अटेंडेंट, फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एयरपोर्ट मेंटेनेंस मैनेजर एटसेट्रा जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि एविएशन कोर्स क्या है, एविएशन कोर्स के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है, एविएशन का कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगेगी, एविएशन का कोर्स कम्प्लीट हो जाने के बाद आप किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहाँ पर आपको पर मंथ कितने रुपीज की सैलरी मिलेगी। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एविएशन के कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एविएशन क्या होता है। दोस्तों एविएशन का कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर आपको एयरपोर्ट, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। इजी भाषा में बताऊं तो दोस्तों हवाई यात्रा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एविएशन कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। और दोस्तों एविएशन कोर्स के अंदर हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स, एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एयरक्राफ्ट एंड इंजिन्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एयरलाइन ऑपरेशंस एटसेट्रा जैसे कई सारे टॉपिक पर हमें एविएशन कोर्स के अंदर बहुत सारी नॉलेज दी जाती है। और दोस्तों अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एविएशन का अलग अलग कोर्स बनाया गया है, जैसे कि साइंस का स्टूडेंट बीएससी इन एविएशन का कोर्स कर सकता है, वही अगर कॉमर्स का स्टूडेंट एविएशन का कोर्स करना चाहता है तो दोस्तों वो बीकॉम इन एविएशन, बीबीए इन एविएशन, बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन एविएशन का कोर्स भी कर सकता है। वही दोस्तों आर्ट्स का स्टूडेंट भी बीए इन एविएशन का कोर्स कर सकता है। तो दोस्तों हर प्रकार के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार का कोर्स भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ दोस्तों आप 10th के बाद भी एविएशन के कोर्सेज कर सकते हो। 10th के बाद कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, जिनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एविएशन में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेस है वो सारे कोर्सेज 1 से लेकर 2 साल के होते हैं। अगर हम बात करें इन कोर्स की ड्यूरेशन की तो दोस्तों ये सारे कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं। फीस की बात करें तो दोस्तों फीस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हर कॉलेज में के फुल कोर्स के लिए 80,000 रूपए से लेकर 1,00,000 रूपए तक की फीस चार्ज करी जाती है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें से कोई भी एक कोर्स कम्प्लीट कर लेने के बाद हम किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों एविएशन का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट मैनेजर, केबिन क्रू, एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, एरोस्पेस इंजीनियर, पायलट, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एटसेट्रा जैसे कई सारे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एयरलाइंस में अगर आपको इनमें से किसी भी एक पोस्ट पर जॉब हासिल करनी है तो दोस्तों आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों सिर्फ एविएशन नहीं बल्कि फ्यूचर में अगर आपको किसी भी फील्ड में एक अच्छी जॉब हासिल करनी है तो दोस्तों आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम में से कई सारे स्टूडेंट ये ढूंढना चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे तो कहाँ से सीखे, क्योंकि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के लिए एक स्पेशल क्लास लगाते हैं जो 6 महीने की होती है और वहाँ पर उनसे लगभग 5,000 से 6,000 रूपीज की फीस चार्ज करी जाती है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश सीखने का मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, जो है अव्वल सर का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना। दोस्तों आपने अव्वल सर को कई सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा और दोस्तों इनका स्पेशली खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और दोस्तों हमारे प्यारे अव्वल सर ने जस्ट अभी 6 मंथ का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स के अंदर आपको बेसिक इंग्लिश से लेके एडवांस लेवल की इंग्लिश भी महज 6 महीने के अंदर सिखाई जाएगी। और दोस्तों अव्वल सर ने इस कोर्स की फीस ओनली 999 रखी है, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी इंग्लिश मजबूत करना चाहते
चाहते हैं उन पर पैसों का ज्यादा बोझ ना आए। और दोस्तों हाल ही में अगर आपने अपनी 12th पास आउट करी है तो दोस्तों आपको इंग्लिश स्पीकिंग का ये कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप कोई भी इंटरव्यू अच्छी तरीके से पास नहीं कर पाओगे और आपको इन बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब भी नहीं मिलेगी। तो महज 999 रुपीज देकर आप ये 6 महीने का कोर्स ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों अव्वल सर ने इस प्रकार के कई सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं, जिसमें 12 मंथ्स का एक कोर्स है जिसकी प्राइस 1299 रुपीज है। एंड वही अगर आप अव्वल सर के लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी फीस 4999 रुपीज की है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपकी इंग्लिश मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट में सभी प्रकार के लोग आते हैं और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को हर जगह पर यूज किया जाता है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एविएशन का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हमें पर मंथ कितने रुपीज की सैलरी मिलेगी। दोस्तों आपकी सैलरी आपके पोस्ट पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों एविएशन में अलग अलग पोस्ट होते हैं और उसके हिसाब से सैलरी भी अलग होती है, लेकिन एवरेज सैलरी कहूँ तो दोस्तों एवरेज सैलरी 40,000 रुपए से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए तक की होती है। और दोस्तों जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जैसे कि पायलट, एयरक्राफ्ट इंजीनियर एंड ऑल, तो दोस्तों उन सारे पोस्ट पर आपको ज्यादा सैलरी दी जाती है, जो लगभग 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। और दोस्तों टॉप 10 हाई सैलरी जॉब्स इन एयरपोर्ट, इस टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा सैलरी किन किन पोस्ट पर मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।